आज कमिश्नर टास्क फोर्स हैदराबाद सिटी पुलिस ई जोन टीम ने बेगम बाज़ार में है सो एक गोडाउन के ऊपर रेड करे थे। थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला कि वहाँ पे स्पूरियस और डुप्लीकेट आइटम्स मिल रहा करके, ये हाउस होल्ड आइटम्स डुप्लीकेट वहाँ पे स्टॉक करके है करके हमें इन्फॉर्मेशन आया। जब हमारा ई जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर श्रीनिवास और उनका टीम लैंड ऑर्डर पुलिस बेगम बाज़ार से लेके रेड करें, जहाँ पे से हमें कुछ हाउस होल्ड आइटम्स मिला, खासियत से टी पाउडर ऑफ वेरियस ब्रांड्स और पैराशूट ऑयल और कई तरीके के हाउस होल्ड आइटम्स मिला, जिसमें साबुन, शैम्पू एट्सेट्रा वगैरह मिला। इसमें पूरा डिटेल ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, पूरा डिटेल्स लेने के बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला कि एक आदमी जिनका नाम पुकराज पुरोहित, ये राजस्थान के नेटिव हैं, इनो और गेवार राम उनका सपोर्टर यानी वर्कर, ये दोनों मिलके ये गोडाउन मेंटेन कर रहा। वहाँ पे इनको परिचय है सो दो आदमी, एक राकेश जैन ये बरकतपुरा के रहने वाले और महावीर जैन इनो चैतन्यपुरी हैदराबाद के रहने वाले। इन दोनों से थोड़े आइटम्स खरीद के, पूरा डुप्लीकेट आइटम्स खरीद के वहाँ पे स्टोर करके छोटे छोटे क्वांटिटी में लोगों को सप्लाई कर रहा, यानी रिटेल आउटलेट्स को। पहला जो एक टी यूनिट है आप यहाँ पे सामने देख रहे, ये पूरा ब्रांडेड आइटम्स है, हम लोग रोज़ इसको इस्तेमाल करते घर में और टीवी में भी एड्स आते रहते, यानी कि थ्री रोजेस का और चक्रा गोल्ड और रेड लेबल का, ये तीनों के तीनों डुप्लीकेट का है। मार्केट में कई ग्रेड्स का ये टी पाउडर्स मिलते, यानी टी पाउडर डस्ट और कुछ कई नाम से बुलाते हैं उनको, ये लीस्ट क्वालिटी से लेके और वेरी हाई क्वालिटी का रहता, और चक्रा गोल्ड और इसमें भी थोड़े ब्रांडेड्स रहते। और इन ब्रांडेड आइटम्स के लिए ये सब स्टैंडर्ड यानी बहुत चीप टी पाउडर खरीद के कई मार्केट में ये ने खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। हम लोग दो यूनिट्स के ऊपर रेड करें, एक है जो जीडमेटला पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में है, वहाँ से ये टी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट आइटम्स मिला। वहाँ पे ऑलरेडी पैक्ड आइटम्स और रॉ मटेरियल भी रेडी है और थोड़े एम्प्टी बॉक्सेस यानी कार्टन्स जिसमें ये पैक्स जिसमें पैकिंग करते वो पैक्स भी मिला। और दूसरा यूनिट वो जो पैराशूट मैन्युफैक्चरिंग ये हेयर ऑयल, ये सब ये वेरी फेमिलियर फेमस ब्रांड है ये भी, और इसका भी ये डुप्लीकेट आइटम है ये। इसका ऑयल यूनिट चरलापल्ली के पास मिला, ये राचकोंडा कमिश्नरेट का है। वहाँ पे एक यूनिट में ये सब स्टैंडर्ड ऑयल खरीद के ये पैराशूट का ऑयल, ये दिखने में तो आम आदमियों को तो पहचान नहीं सकते ये ओरिजिनल या डुप्लीकेट है करके, कंप्लीट प्रिंटिंग और इसका लेबलिंग पूरा एकदम ओरिजिनल सर का है। और इसमें सब स्टैंडर्ड आइटम सब स्टैंडर्ड ऑयल मिला के सीलिंग करके ये नीडी कस्टमर्स को भेजा रहे। इन दोनों का लोकेशन गोडाउन एक ही जगह पे है, वो बेगम बाज़ार। और ब्रीफ हिस्ट्री इनके बारे में, पुकराज पुरोहित 27 ईयर्स का है, इन्हों राजस्थान नेटिव, 10 साल पहले हैदराबाद को आया था। पहले इन्हों छोटे स्मॉल आइटम्स यानी कॉस्मेटिक, स्टेशनरी और सेफ्टी पिंस का बिजनेस कर रहा था, इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता, बहुत कम प्रॉफिट मिलेगा, इलीगल मनी ज़्यादा मनी कमाने के लिए, वो भी कम टाइम में। इन्हों जो है राकेश जैन, उन्हों पहला स्क्रैप बिजनेस करता था, उनसे मिलके ये एक प्लान हैचिंग करके ये डुप्लीकेट टी पाउडर मैन्युफैक्चर करने का आइडिया आया था इनको। उन आइडिया को परस्यू करते हुए वो जीडमेटला पीएस में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रख के वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे भेज रहे थे। हमें इन्फॉर्मेशन मिला, वेरी रिलायबल इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग उनके पास जाके रेड करने के बाद गोडाउन में चक्रा गोल्ड का मिला, और वहीं पे सेम लोकेशन पे ये पैराशूट ऑयल मिलने के बाद इसके ऊपर भी बेसिक इंक्वायरी करने के बाद हम लोग चलापल्ली के पास और एक यूनिट रेड करके वहाँ पे भी मिला। इनका ओनर है महावीर जैन, ये महावीर जैन और राकेश जैन दोनों रिलेटिव्स हैं, इन दोनों ये डुप्लीकेट आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लगे हुए हैं। इसका मोटिव एक ही है कि ये पूरा कम्प्लीटली सबस्टैंडर्ड आइटम्स बेच के पैसे कमाने के लिए। और महावीर जैन के ऊपर प्रीवियसली मलकपेट पीएस में भी एक केस है, उसका भी हम लोग डिटेल्स निकाल रहे हैं।
रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ये पीडी एक्ट का थोड़े अमेंडमेंट्स में भी किए, जिसमें अभी फूड आइटम्स और गेमिंग ऐसा चीज़ में भी इन्वॉल्व हुए से लोगों को भी पीडी एक्ट के ऊपर पीडी एक्ट उनको अप्लाई करते, या कि उन्होंने वन ईयर उनके उनके सज़ा में वन ईयर उनको डिटेन करके रख सकते हैं। इससे पहले कुछ ग्रेव ऑफेंसेस के लिए रखते थे, और अमेंडमेंट आने के बाद ऐसा ये पब्लिक हेल्थ के ऊपर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रांड्स पूरे हम लोग इस्तेमाल करते, हम लोग हर सुबह चाय बनाते, कोई मेहमान आए तो भी चाय बनाते, ये बहुत शक है हमारे को, हम लोग जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ये सही है कि नहीं, इससे हमारे को असर भी पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्वालिटी चेक नहीं रहेगा, उसका कुछ लेबलिंग नहीं रहेगा, जो भी वो स्टैम्प ISA स्टैम्प और फूड सेफ्टी का स्टैम्प भी रहेगा, ये भी डुप्लीकेट है कम्प्लीटली, इसके ऊपर हमले के ऊपर असर पड़ेगा, और कैंसर और कई डिसीज़ के लिए भी ये कारक बन सकता। और हेयर ऑयल भी हम लोग ये डे टू डे आइटम इस्तेमाल करने का है, और छोटे बच्चे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभी वो हेयर ऑयल के लिए, तो ऐसा चीज़ भी उन्होंने चीटिंग करके लोगों को बेच रहे हैं। और आई अप्रिशिएट द इंस्पेक्टर श्रीनिवास एंड द सब इंस्पेक्टर रमेश श्रीनिवास रेड्डी गोविंद स्वामी और पूरा ई जोन टास्क फोर्स टीम अलॉन्ग विद बेगम बाजार लॉ एंड ऑर्डर टीम। वो पी सुब्बैया जी आज ही चार्ज लिए थे, आज सुबह आते ही उनका कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हम लोग दोनों टीम्स मिलके जॉइंट रेड करके उनका टीम नरेंद्र सब इंस्पेक्टर और उनका लॉ एंड ऑर्डर टीम मिलके यहाँ पे रेड करके ये पूरा सीज करे, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग बेगम बाजार PS के लिए हैंड ओवर करते। पूरा इसमें चार लोग अभी हम लोग गिरफ्तार करें, और दो लोग मिश्रा और RK गुप्ता, ये दो लोग दिल्ली के हैं, ये पैकिंग मटेरियल एग्जैक्टली हम लोग नेकेड आई से देखे तो पता कर नहीं सकते ये ओरिजिनल या डुप्लीकेट, ये दिल्ली से आ रहा ये चीज़ा, हम लोग उसके ऊपर भी ध्यान रखेंगे और वहाँ से दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश करेंगे। सर ये एंटायर वर्थ रुपीज़ टोटल तकरीबन 35 लाख का है पूरा आइटम्स का।